जिनका 17 फरवरी को जन्मदिन है और इस अवसर पर मैं शुरू कर रही हूँ एक अभियान हंगर फ्री इंडिया विद मंशी। इसमें मैं खुद भोजन बनाकर जरूरत पड़ने तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। कहते हैं अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, पर भूखे इंसान का पेट भरने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। इस अभियान से हर व्यक्ति को क्यों जुड़ना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मसाला चावल। मसाला चावल बनने के बाद हम इन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे ताकि उनका पेट भर सके। देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें आज भी समय पर भोजन नहीं मिलता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनका पेट भर सके। भोजन मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भूख से जूझने वालों की संख्या 12 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भूखमरी के शिकार लोगों में 60% महिलाएं बताई जाती है। दुनिया भर में भूखमरी के शिकार लोगों में हर साल 40 लाख लोगों का इजाफा हो रहा है। कहा जाता है कि दुनिया में 18 साल से कम उम्र के लगभग 45 करोड़ बच्चे कुपोषित हैं। वहीं पिछले साल के आंकड़े देखे जाए तो भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में 94 स्थान पर है और भूखी गंभीर श्रेणी में है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की 14% आबादी कुपोषण की शिकार है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश के जिन बड़ी आबादी वाले राज्यों में कुपोषण अधिक है, वहाँ कई मामलों में सुधार की आवश्यकता है। तमाम दावों के बावजूद भी कई लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। रोजगार की कमी और गरीबी की मार की वजह से भूख की समस्या आज भी एक गंभीर समस्या है और बड़ी जनसंख्या, भूखे पेट सोने और भूख से मौत की खबर अक्सर मीडिया में दिखाई जाती है। ऐसे में देश में बड़े स्तर पर सस्ता भोजन उपलब्ध करवाना बेहद जरूरी है। ऐसे में तेलंगाना में गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए चंद्रशेखर राव जी की सरकार सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के साथ साथ कई कल्याणकारी योजनाएं अमल में ला रही है। यही नहीं, हैदराबाद जैसे महानगर में DHMG की ओर से मात्र 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने की लोकप्रिय योजना चलाई जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 8 केंद्रों के साथ शुरू हुई योजना आज 150 से ज्यादा केंद्रों में चलाई जा रही है और 25,000 से ज्यादा लोगों को गुणवत्ता वाला भोजन खिलाया जा रहा है। मसाला चावल तैयार है, अभी मैं ये पैक कर रही हूँ, उसके बाद में हम इन्हें जरूरतमंदों तक पहुँचाएंगे। जहाँ तक हो सके सरकार अपना काम करती है, लेकिन समाज और उनमें रहने वाले नागरिकों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ हद तक योगदान देकर अपने आसपास उन लोगों की मदद करे जिन्हें पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। किसी भी अवसर पर बड़े बड़े समारोह में लाखों रुपए बर्बाद करने से पहले ये जरूर सोचे कि कई लोगों को इंतजार रहता है कि उनका और उनके परिवार का पेट भरने का, भूख मिटाने का इंतजाम कब होगा। मेरी आप सभी से अपील है कि एक व्यक्ति हर दिन एक जरूरतमंद का पेट भरने के लिए अंगदान जरूर करे। हो सके तो खुद भोजन बनाकर अंगदान करे, जिससे कि एक अलग ही सुकून मिलता है। तो फिर हंगर फ्री इंडिया विद मंशी हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस अभियान के बारे में प्रेरित करें।